क्योंकि युवा शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी अभी नेशनल टी20 कप का मैच नंबर 6 हुआ है, GFS सिंध वर्सेस नॉर्दर्न का ये मैच हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मैच हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मैच बस देखने का था और फुल देखने का था, क्योंकि ऐसा थ्रिलिंग था कि zigzag हो रहा था, सीसॉ था, कभी सिंध की तरफ मैच जा रहा है, कभी नॉर्दर्न की तरफ पूरा मैच जा रहा है, फिर सिंध ऐसा टर्न लेता है कि सिंध की तरफ, फिर नॉर्दर्न ऐसा टर्न लेता है कि नॉर्दर्न, बस ऐसे ही zigzag चल रहा था और फिर आखिर में बस सिंध ने zigzag को ख़त्म कर बोला भाई बस अब बड़ी हिट्स लगाने की बारी आ गई है, तो फिर बड़ी हिट्स लगाई और फिर जीत गए ये लोग। और जो अब मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं कि नॉर्दर्न ने बहुत ही इंतहाई से ज़्यादा कम टारगेट दिया है, मतलब उसे वो सिर्फ 137 का टारगेट इन्होंने दिया है और वो भी इतना चेस इतना पहाड़ जैसा टारगेट समझ रहे हैं, जैसे इन्होंने 250-240 का दे दिया, ऐसा टारगेट समझ रहे हैं ये लोग भाई, इतना सा टारगेट है, आराम से प्रेशर भी अपने आप पर इतना प्रेशर लिया हुआ था अपने के बार बार यूँ टुक टुक इतनी डॉट बॉल्स निकाल रहे थे, इतना प्रेशर उन्होंने बिल्डअप कर लिया था अपने ऊपर कि बस इनको समझ में नहीं आ रही थी कि हम क्या करें तो क्या करें, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा था इनको, डॉट बॉल। लेकिन बस एक उनमें से एक ब्रेव बैट्समैन निकला, वो उसका नाम है शर्जील खान, वह ऐसी ब्रेव वाली इनिंग्स खेल दी 43 runs 25 balls पर, तो पावर प्ले में थोड़े से अच्छे रन बन गए, वरना तो हार जाता सिंध, क्योंकि पूरा सामने लग रहा था कि अगर शर्जील खान ऐसी ब्रेव वाली इनिंग्स ऐसी फास्ट इनिंग्स नहीं खेलता 43 रन की तो ये जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतना सरफराज अहमद ने स्लो इनिंग खेली है, खैर इनको तो मैन ऑफ द मैच मिला, बहुत प्रेशर को हैंडल करते हुए बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है इन्होंने सरफराज अहमद ने, लेकिन फिर भी 41 बॉल्स पे खेली है इन्होंने, बहुत स्लो 41 बॉल्स पे 42 रन, बहुत स्लो इनिंग खेली है, लेकिन फिर भी शर्जील खान ने जो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया था उसको थोड़ा सा यूज करते हुए इन्होंने थोड़ा सा डॉट बॉल्स निकाली, ज़्यादा डॉट बॉल्स निकाल रहे थे, थोड़े से उन्होंने फोर्स मारने की कोशिश की, सिक्स तो खैर मारा ही नहीं उन्होंने, लेकिन थोड़े से फोर्स निकालने की कोशिश की उन्होंने, डॉट बॉल्स, सिंगल, डबल्स, रोटेशन, तो स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, अनवर अली और सरफराज अहमद की आखिर में बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, अनवर अली ने बैक टू बैक कैमियोज अपने किए हैं, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई है अनवर अली ने, क्योंकि ऐसे बैक टू बैक कैमियोज दिखाना बहुत बड़ी बात है अपनी टीम के लिए, मैच विनर साबित होना बैक टू बैक, पिछले वाले मैच में भी अनवर अली अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित हुए थे और कैमियो उन्होंने अपना कार्नेज किया था, बहुत अच्छा किया था, और आज के मैच में भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कैमियो दिखाया है, 23 बॉल्स पर 31 रन बनाए हैं इन्होंने, और शुरू में थोड़ा डॉट बॉल्स कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा ये बिल्डअप हुए, जब नवाज का ओवर आया तो उन्होंने थोड़े से अपने शोल्डर्स को फ्री किया, थोड़े से अपने आर्म्स को फ्री किया, तो फिर एक सिक्स मारा, फिर फोर, फिर ऐसे फिर हारिस राउत के ओवर आया फिर उसमें थोड़े से फोर मारे, एक फोर मारा, फिर बस ए वन रन चाहिए था तो इन्होंने यूं कर दी, कोई बेतुकी सी शॉट खेली थी, बोंगी सी वो उन्होंने खेल दी। सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं कि नॉर्दर्न ने जो अपना जो बनाया है स्कोर 136 का, जो ये कैसे बन गया, क्योंकि पिछले वाले मैच में तो इतनी अच्छी इनिंग खेली थी, हैदर अली भी ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, आसिफ अली ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, किसी ने भी अच्छी इनिंग नहीं खेली, समझे नॉर्दर्न का तो पूरा मिडिल ऑर्डर ही फेल हो गया, सिर्फ और सिर्फ बस मोहम्मद नवाज को नंबर फोर पे भेजा तो उन्होंने बस डॉट पोस्ट निकाल कर टुक टुक कर बस मारे बंदे, बस 34 बॉल्स पर 30 रन बना लिए उन्होंने, बस इतने से रन बनाए उन्होंने, और फिर भी थोड़े से और रन की जरूरत थी बस, सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो लग रहा था कि 120 से भी बिलो का टारगेट होगा, लेकिन हारिस राउत ने आखिर में मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग पे 2-3 सिक्सेस मार दिए, उस वजह से ये टारगेट यहाँ तक पहुँच पाया, वरना तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता, 120 से भी बिलो होता, और ये ऐसी पिचेस बना रहे रावलपिंडी के रात में ये ऐसी पिचेस हो जाए कि 130 का टारगेट भी डिफेंड करना शुरू हो जाए, ऐसी ये जो पिचेस बना रहे रावलपिंडी के बहुत डिफिकल्ट और बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस बना रहे, इसलिए बना रहे ताकि हमारी फुल प्रिपरेशन के साथ जाए हम वर्ल्ड कप में, जितनी भी स्लो पिचेस आए, ड्यू हो, कुछ भी हो, वेदर कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट हो, स्पिनिंग कंडीशंस ज़्यादा हो, जो भी हो, फास्ट कंडीशंस ज़्यादा हो, बस हमें अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, और जो भी स्क्वाड है उसको सपोर्ट करना है, बट जो भी टीम है उसको अच्छा खेलना है और फास्ट खेलना है या फिर स्लो खेलना है, ये देखकर इनको डिसाइड करना होगा, पिच के हिसाब से फास्ट पिच होगी तो उनको थोड़ा फास्ट खेलना होगा, स्लो पिच होगी तो थोड़ा स्लो खेल लेंगे, बस यही उम्मीदें हैं कि बस वर्ल्ड कप जीत जाए पाकिस्तान, बस ये हो जाए तो भाई तो सबसे बड़ा रिवेंज
कि ये हो जाएगा कि सबसे बड़ा, पूरी दुनिया को सबसे बड़ा मैसेज ही यही पहुंचना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप जीत गए, तो सबसे सेफेस्ट कंट्री का मैसेज पहुंचना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो रिवेंज है पूरी वर्ल्ड से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, वो वर्ल्ड कप जीतना है। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर अपने फेवरेट्स, फ्रेंड्स और क्रिकेट की शौकीन के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।